हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं। तो यहां पे देखिए, छत पर हूं मैं और गेहूं धुल रही थी। आटा जो है वो ख़त्म होने को है, तो मैंने सोचा गेहूं धुल के डाल देती हूं। और आज जो है वो बहुत स्पेशल दिन है। ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको पता चलेगा कि आज कौन सा स्पेशल दिन है मेरे लिए। वो तो कुछ कुछ लंच मैंने बना लिया है, चलिए आपको दिखाती हूँ क्या क्या बना चुकी हूँ अभी। यार देखिए, पेस्ट लेकर के आया था इतना सारा धनिया की पत्ती। और यहाँ पर देखिए, दाल मैंने बना लिया है। और यहाँ पर कलौजी के लिए मसाला मैंने पीस लिया है। अभी मंदिर से आ जाऊंगी, उसके बाद फिर करूँगी लंच की तैयारी। बच्चे भी आ जाएंगे, अभी टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा है। और अभी हम लोगों ने अभी तक चाय वगैरह कुछ नहीं पिया है, तो अभी चलिए चलते हैं पहले मंदिर। आइए देखिए, मैंने अपना हेयर जो कट करवाया था शादी के टाइम तो उतना खूबसूरत नहीं लग रहा था, पर अब देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। गाड़ी निकाली, बाहर आ रहे हैं। तो अभी देखिए, घर से हम लोग निकल चुके हैं मंदिर जाने के लिए। और बच्चे आएंगे 1:30-2 बजे तक आएंगे। 1:30 बजे छुट्टी होगा, 2 बजे बच्चे घर पर आ जाएंगे। तो हमने सोचा नहीं, हर साल हम मंदिर जाते ही जाते हैं टाइम निकाल करके। वैसे तो सुबह में ही चले जाते हैं, आज थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि आधे लंच का प्रिपरेशन मैं करके जा रही थी, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। वरना तो हम सुबह ही मतलब 8-8 बजे तक मंदिर चले जाते हैं हर साल। तो जो मेरे पुराने व्यूअर होंगे उनको पता होगा कि मैं किस मंदिर पे आ रही हूँ, क्योंकि मैं इसी मंदिर पे आती हूँ ज़्यादातर। घर के पास में होता है और जब भी आती हूँ तो आप लोग को भी दर्शन करा देती हूँ माता रानी के, और उनका आशीर्वाद दिला देती हूँ कि मंदिर में वैसे सभी का आना जाना हमेशा नहीं हो पाता है, मेरा भी नहीं हो पाता है, पर ऐसा कोई ओकेशन होता है ना तो मैं चली जाती हूँ और ख़ास करके जाती हूँ इस सब ओकेशन पर। तो चलिए, अब ज़्यादा आप लोग से सस्पेंस नहीं रखूँगी, बताती हूँ। आज है हमारी एनिवर्सरी, यानी कि है 24 फरवरी तो आज के दिन ही हमारी शादी हुई थी, और तो हम लोग इसी वजह से आए हैं आज मंदिर। ब्लॉग बहुत लेट चल रहे हैं, इसकी वजह से अभी तक होली का ब्लॉग भी मैं नहीं डाल पाई हूँ, पर होली का वीडियो बना के रखा है आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। और हमारी एक दोस्त और हैं, शशि सिंह गोरखपुर की हैं, वो भी यूट्यूबर हैं, उनका भी एनिवर्सरी आज के दिन ही है। तो हैप्पी एनिवर्सरी डियर, अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं तो यहाँ देखिए मेरी भी हो गई है पूजा, माता रानी से दर्शन करा दिया है। और सबसे पहले मैं गुंबज का ही दर्शन कराती हूँ आप सभी को, क्योंकि माना जाता है कि मंदिर का दर्शन हो या ना हो ये गुंबज का हो जाता है, ये अगर नहीं हुआ है तो मतलब दर्शन अधूरा है। तो मैं जब भी आती हूँ याद से आप लोग को दर्शन करा देती हूँ इस गुंबज का। और ये मंदिर देख लीजिए, और ये हर साल ये होता है जब भी मतलब मैं यूनिवर्सरी के मंदिर आती हूँ तो इनसे सिंदूर लगवाती हूँ, पीला सिंदूर। वैसे लाल लगा के आती हूँ और पीला इनसे लगवा लेती हूँ, तो यहाँ इन्होंने लगा दिया है और मैंने आशीर्वाद ले लिया है कि हम दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही रहे। और इन्होंने आशीर्वाद दे दिया है, सदा सौभाग्यवती भव, दूधो नहाओ पुतो फलो। तो हमारा हो गया है मंदिर का पूजा, फिर जाएंगे हम लोग घर। तो यहाँ पे आ गए थे केक लेने के लिए, मैं मना कर रही थी फिर भी बोले कि एनिवर्सरी है, साल भर में एक बार आता है तो चलो आज साथ में कट कर लिया जाएगा। तो वही ये ले रहे हैं केक। तो फ्रेंड्स, आ चुकी हूँ मैं घर पर, और ये देखिए मैंने बना लिया है चाय। पहले चाय पी लूंगी फिर बाकी सारे काम करूंगी। तो चलिए अभी पी लेते हैं चाय। खाना बजा रहे हैं,
वैसे तो हम बाहर कहीं जाते घूमने शाम को, पर इनकी छुट्टी रहती ही नहीं है। आप लोग को पता है इनका जॉब ही ऐसा है कि इनको छुट्टी मिलती ही नहीं है सिवाय वेडनेसडे को, तो उस दिन इनकी छुट्टी रहती है। और उस दिन हमारी एनिवर्सरी या बच्चों को बर्थडे जो है वो पड़ते ही नहीं है। काफ़ी साल हो गए हैं कि वेडनेसडे के दिन ना ही हमारा एनिवर्सरी पड़ा है ना ही बच्चों का बर्थडे पड़ा है। हाँ तो कहाँ थी मैं, यानी कि मैं आपको बता रही थी कि इनका जो है छुट्टी नहीं रहता है, इस वजह से हर चीज़ हम लोग को अकेले ही सेलिब्रेट करना पड़ता है। पर इसी वजह से केक लेकर के आ गए थे कि मतलब 4 बजे मैं जाता हूँ तो 4 बजे से पहले केक हम साथ में मिलकर कट कर लेंगे, और बच्चे अभी नहीं आए थे तो इसलिए मेरी इच्छा नहीं हुई। मैंने सोचा कि बच्चे आ जाएंगे उसके बाद ही हम केक कट करेंगे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी वगैरह तो बन ही गया था, कलौजी लास्ट में बना रही थी क्योंकि ये कलौजी गरम गरम ही अच्छा लगता है, तो बस वही बना रही थी। साइड में दूध चढ़ा दिया था और चावल लेके चुन लूँगी। ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, आधा लंच तो मैं बना के ही गई थी क्योंकि मैं जान रही थी कि जब मंदिर से आऊँगी लेट हो जाएगा तो सारा काम मुझे ही करना है, तो आधा से ज़्यादा काम निपटा के गई थी, थोड़ा सा काम रह गया था। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता होगा, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और भर भर के लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तो फ्रेंड्स आप लोग को नहीं पता है कि आप लोग का एक लाइक कितना मोटिवेट करता है हम हाउसवाइफ को, और ये बहुत लोग तो बोल के निकल जाते हैं कि क्या काम ही है, वीडियो बनाती है, ये करती है, वैसा करती है, पर आप लोग को नहीं पता है कि वीडियो बनाना और उसे एडिट करना, घर का काम देखना, बच्चों को देखना और अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल से ये सब कुछ मैनेज होता है। अपने लिए जो टाइम निकलता है उसी में हम लोग यूट्यूब का काम करते हैं, हम लोग बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पाते हैं, बीच बीच में तबीयत भी ख़राब हो जाती है इसी को मतलब ये वीडियो के चलते, तो बहुत कड़ी मेहनत लगती है, एक जॉब के जैसा ही होता है। आप बिल्कुल ये चीज़ मत समझिए कि वीडियो बनाना बहुत आसान काम है, जो बनाते हैं उनको पता है कि वीडियो बनाना कितना मुश्किल काम है। तो प्लीज़ फ्रेंड आप लोग सपोर्ट करिए। और यहाँ देखिए बातें करते करते मेरा जो है लंच तैयार हो गया है, बस मुझे रोटियाँ सेकनी थी, बस रोटियाँ सेक लूँगी और पापड़ छान लूँगी तो हो जाएगा आज का लंच हमारा, बन जाएगा। फिर सभी को निकाल दूँगी, सभी क्या अभी बच्चे तो आए नहीं हैं, हस्बैंड को निकाल दूँगी और खुद खा लूँगी, फिर बच्चे आएंगे तो उनको मैं दे दूँगी। और बच्चे तो आज बहुत खुश थे सुबह से ही कि आज मम्मी का एनिवर्सरी है, पापा का एनिवर्सरी है, हम बाहर जाएँगे, पर बाद में बच्चों को लेकर चली जाऊँगी। तो ये है हमारा आज का लंच, कलौजी आलू गोभी मटर की सूखी सब्जी और आलू मटर की ग्रेवी वाली सब्जी, साग वाला दाल यानी सकपहिता, पापड़, सादा रोटी, घी लगा हुआ, प्याज और गर्मा गर्म चावल। तो हमारा लंच आज का यही है, और आप लोग भी आ जाइए साथ में बैठ के लंच करते हैं। इन्होंने बोला था कि मतलब सिंपल लंच बनाना, पर मुझे आज मेरा मन कर गया कि मैं ये सारी सब्जियां बनाऊं। उसके बाद ये सब आइटम बनने के बाद आपको पता ही है कि किचन और घर का क्या हालत हो जाता है, तो वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि यहाँ देखिए बर्तन का ढेर लगा हुआ है और पूरा किचन जो है बिल्कुल मैसी मैसी सा पड़ा हुआ है। तो जब हम लोग का लंच हो गया उसके बाद से आती है बारी सफाई की, और सफाई करते करते बच्चे स्कूल से आ गए थे, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो यहाँ देखिए चल रही है हमारी सफाई, और उसके बाद कर लूँगी जितना भी बर्तन है वो सारा साफ। और यहाँ देखिए हमारा केक जो है तैयार है कट करने के लिए। मैं जब तक बर्तन साफ कर रही थी ना, मतलब बच्चे मिलके केक रख दिए और बैलून लेकर के आए थे, वो पहले से ही, बैलून घर में नहीं था, उनको याद था कि बैलून लेके जाना है रात को, मतलब केक कट होगा, तो याद ये बैलून फुला के रख दिए हैं और यहाँ पे हम कर रहे हैं केक कट। तो आप लोग को पता ही है कि बच्चों की नज़र जो है वो केक पे है। आप सभी के घरों में ऐसा होता होगा कि किसी का भी मतलब चाहे बर्थडे हो चाहे एनिवर्सरी हो तो बच्चों का नज़र केक पे ही रहता है। तो यहाँ पे दे दिया है मैंने हस्बैंड को, फिर उसके बाद से बच्चों को दे दूँगी कि बच्चे खा लें, उसके बाद फिर मैं भी खा लूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना मत भूलिए अपने फैमिली मेम्बर में, अपने दोस्तों को। बाय बाय फ्रेंड।